बेगूसराय के मंझोल सहायक थाना क्षेत्र अंतर्गत कपड़ा दुकानदार संजीव कुमार सैनी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्याकांड में संलिप्त दो अपराधियों को एक देसी कट्टा दो जिंदा कारतूस एक घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व में आपस में मारपीट की घटना को लेकर निजी दुश्मनी के कारण गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के द्वारा कपड़ा दुकानदार संजीव कुमार सहनी को जब्त किए गए मोटरसाइकिल से उसके घर के पास से ले जाकर शिवरी बांध के पास गोली मारकर बांध के नीचे फेंक दिया गया था, जिसकी मृत्यु घटना के पश्चात इलाज के क्रम में मौत हो गई थी। मृतक की पहचान मंझोल सहायक थाना अंतर्गत मंझोल अच्छेलाल सहनी टोला मंझोल दो वार्ड नंबर चेरिया बरियारपुर थाना के रहने वाले स्वर्गीय बलदेव सहनी के पुत्र संजीव कुमार सहनी उर्फ शंभू सहनी के रूप में हुई थी। बताते चले कि बलदेव सहनी के पुत्र संजीव कुमार उर्फ सहनी की मंझोल बाजार में रेडीमेड दुकान थी, जिसकी अज्ञात अपराधकर्मियों के द्वारा 23 मई रात्रि में रॉड एवं गोली मारकर जख्मी कर सिवरी कोठी बांध के पास फेंक दिया गया था, जिसके इलाज के क्रम में दिनांक 27 मई को मृत्यु हो गई। इस मामले में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार के द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए कांड के उद्भेदन एवं संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंझोल श्याम किशोर रंजन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। पिछले एक दो महीने में जो लगातार हम लोग ने इस केस में काम किया, जिसमें कल एक बड़ी सफलता मिली, इसमें दो आदमियों को गिरफ्तार किया गया और जो इनपुट हम लोग के पास था, जब उसको लेकर के हम लोग ने इनसे पूछताछ की तो इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार किया। इन लोगों ने बताया कि यदि ससमय गिरफ्तारी नहीं हो पाती कल तो उस जो मर्डर केस का गवाह है उसकी ये लोग हत्या कर देते और उसके एवज में इन लोग को 5 लाख रुपये मिलने वाले थे, तो उसके होने से पहले ही पुलिस ने इनको अरेस्ट कर लिया। इसके बाद जब पुलिस ने पूछताछ की तो दो महीने पहले मझौल में जो एक मर्डर केस हुआ था, जिसमें कि एक शंभू सहनी जिसकी हत्या इन लोगों ने कर दी थी गोली मार करके, तो उसमें भी इन लोग की संलिप्तता प्रतीत हुई, इन्होंने अपना अपराध उसमें भी स्वीकार किया है। जब पूछा गया तो ये पता चला है कि जो शंभू सहनी था जिसकी इन लोग ने हत्या की थी, वो एक कपड़े का दुकान चलाता था और कुछ समय पहले उसके साथ में इन लोगों की मारपीट हुई थी, पूर्व दुश्मनी का मामला था। और जैसे ये लोग जेल से निकले हैं बेल पे, तो इन लोगों ने बदला लेने के लिए अगले ही दिन जाकर के उसको बुलाया और बुलाने के बाद एक बांध के पास शिवरी बांध के पास ये लोग उसको ले गए और वहाँ गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। तो इस पूरे उद्भेदन से पुलिस ने जो घटना हथियार में जो मर्डर केस में जो हथियार प्रयोग हुए थे पुलिस ने वो भी बरामद कर लिया है, जिस मोटरसाइकिल से ये लोग मर्डर करने गए थे वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, और हाल फिलहाल में जो मर्डर की घटना ये लोग कारित करने वाले थे उसको भी पुलिस ने समय से पहले रोक दिया है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई हुई है, तुरंत कार्रवाई की है पुलिस ने इसमें। एसटीपीओ मझौल और उनकी पूरी टीम को मैं अपने तरफ से भी इसमें पुरस्कृत करूंगा। सर, इनका आपराधिक इतिहास क्या है? देखिए, दोनों लोग जो अरेस्ट हुए हैं, एक का नाम है दर्शन कुमार उर्फ डोंगा, ये मझौल का रहने वाला है। एक का नाम राहुल कुमार उर्फ गोनू है, ये भी मझौल का रहने वाला है। इससे पहले ये लोग जो मर्डर केस था 28/5/2023 का, उसमें ये लोग जेल गए थे। और इसके अलावा एक मझौल में इन पे एक कांड दर्ज है 227/23, ये 25 आम सेक्ट का है। किसकी हत्या करने वाले सर ये लोग? देखिए, ये अभी अनुसंधान का विषय है और इसको गुप्त रखना ही ठीक है। कोई बड़े व्यवसायी था क्या सर? देखिए, मैं इसमें इतना ही बता सकता हूँ कि एक मर्डर केस में वो आदमी की विटनेस था, बस वो एक इम्पोर्टेंट गवाह था। तो पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने अपने प्रोटेक्शन में SHO मझौल और उनकी टीम ने अपने प्रोटेक्शन में उस आदमी की सारी गवाही कोर्ट में कंप्लीट करा दी है, तो वो काम भी पुलिस ने करा दिया है। और उसकी हत्या होने से पहले पुलिस ने इन लोगों को रोक दिया है। तो इन लोगों पे हम लोग अब हत्या की साजिश रचने का एक केस अलग से करने जा रहे हैं। इसके अलावा इन लोगों के पास से जो हथियार मिले हैं तो एक आम सेट का केस अलग से किया गया है, और जो पहले इन लोग ने मर्डर केस किया था 2 महीने पहले उसमें भी इन लोग की गिरफ्तारी हो गई है। तो 3 करीब ऐसे मामले हैं जिसमें अब हम लोग इन पे जल्द चार्जशीट सबमिट करेंगे, और यदि इनका आपराधिक इतिहास हम लोग बाकी के भी पुलिस स्टेशन से पता कर पाए। कब तक सर हत्या हुआ था? हत्या की तारीख हुआ था ये 25/5/2023 को हत्या हुई थी।